खबर मधुबनी जिले से आ रही है। मधुबनी बिहार संघर्ष ने हड़ताल को सफल बनाने को लेकर दीनदयाल प्लस टू उच्च विद्यालय गांव के प्रांगण में एक संकल्प सभा का आयोजन किया। मुख्य सभा के अध्यक्ष टी उत्तीर्ण जिला प्रभारी राम कुमार ने की शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के बिहार के प्रवक्ता फरमान अली मंसूरी ने कहा कि नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से आंदोलनरत है, लेकिन बिहार सरकार हमारे को पूरा नहीं करती, उद्यमी की धमकी दे रहे जो कि लोकतंत्र की हत्या और है। इन दिनों धमकियों से हम शिक्षकों को डरने वाले नहीं, यदि सरकार मुकदमा करती है तो हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे। शिक्षकों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना संवैधानिक अधिकार है। बैठक में सभी शिक्षकों ने अपनी मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहने का संकल्प लिया। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की नारेबाजी करते हुए रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। मौके पर महेश्वर यादव, पवन तिवारी, दीपक ठाकुर, अमरेश कुमार सिंह, सत्यनारायण यादव, अमित कुमार, शिवशंकर प्रसाद, संजय कुमार, मनोज झा, गुलाब रंजन, रामश्रेष्ठ यादव सहित अन्य दर्जनों शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद थी। कई साल से लड़ते आ रहे हैं, बिहार सरकार से हम लोग की मांग है कि समान काम का समान वेतन दीजिए, लेकिन हट धर्मिता पर हमारे बिहार सरकार उतरे हुए हैं और अभी तक इन शिक्षकों का न कोई सेवा शर्त दिया गया है और न कोई वेतनमान की घोषणा की गई। इसीलिए बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने यह निर्णय लिया है कि 17 फरवरी 2020 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसीलिए आज हमारे सारे बिहार के शिक्षक पूरे बिहार में सारे विद्यालय को ताला मारे हुए हैं और हड़ताल पर चले गए। क्या कुछ मांगे हैं? समान काम का समान वेतन, हमारा सिर्फ एक ही मांग है, राजकर्मी का दर्जा दे और समान काम का समान वेतन दे। सेवा शर्त हमारा अविलंब लागू हो, उसी में सारा चीज आ जाता है। ठंड में कितने विद्यालय लगभग बंद होंगे आपके? देखिए, मेरे यहाँ विद्यालय जो विद्यालय मेरे हैं 114 विद्यालय हैं जो पूर्ण रूपे तालाबंद है। पूर्ण रूपे आपका परिचय? मैं फरमान अली मंसूरी, जिला प्रवक्ता, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मधुबनी और प्रखंड इकाई समन्वय समिति हरला की। इस बीच सरकार का हिदायत आया था कि जो भी धरना या हड़ताल पे जाएंगे जो शिक्षक, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दीजिए। सरकार वो अपने ऊपर हिटलर शाही दिखा रही है कि हम लोगों के ऊपर हिटलर शाही दिखा रही है और हमेशा वो चाह रही है कि इन शिक्षकों को डरा धमका करके जो है हड़ताल को समाप्त कर दे, तोड़ दे, लेकिन यह शिक्षक हड़ताल से पीछे हटने वाला नहीं है और डरने वाला नहीं है। इसीलिए हम सरकार को अभी भी ये आश्वासन, हम सरकार हम लोगों का आश्वासन दे, हमारे समन्वय समिति से वार्ता करे तो पुनः हम लोग वापसी हो जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती हम लोग हड़ताल पर अटिक रहेंगे। मीडिया में कि हड़ताल करना संवैधानिक अधिकार है और इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है, अगर कार्रवाई होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और नियोजित शिक्षक इन दमनकारी नीति से और इन डरावने वाली बातों से डरने वाले नहीं है, कतिपय नहीं डरेंगे। मैं राम कुमार, जिला मीडिया प्रभारी, टी एस टी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ मधुबनी।